दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर मर्चेंट नेवी में आप अपना करियर सिक्योर करना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, या ब्राइट फ्यूचर चाहते हो कि आपकी लाइफ स्मूथ हो, तो आप कैडेटशिप का कोर्स करो। दोस्तों, आज के टाइम में ऐसे कितने सारे कोर्सेज आ गए हैं, इतने सारे CDC आ गए हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है नॉर्मल लोगों को समझना, क्योंकि मर्चेंट नेवी एक ऐसा जॉब है, जब तक आप शिप पर नहीं आओगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे एक्चुअली काम क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो कैडेटशिप करना चाहते हैं, वो पूछते हैं कि डेक कैडेट का जॉब क्या होता है, अभी उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है एक एक चीज़, क्योंकि डेक कैडेट के पास टाइम बहुत कम होता है, 18 मंथ्स का बस टाइम होता है, उनको हर कुछ सीखना रहता है, एवरी सिंगल थिंग जो भी डेक पर है वो चीज़ उनको सीखना रहता है। AB का आप जॉब पूछोगे क्या होता है, तो मोस्टली अगर आप, मैं रफली आइडिया बताऊँ तो AB का जॉब हो गया, नॉर्मल वॉच करते हैं ड्यूटी ऑफिसर के साथ वो नाइट में, या फिर जब भी रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी रहा उस टाइम वॉच करते हैं उनके, उसके बाद उनका काम होता है चिपिंग, पेंटिंग, क्लीनिंग। बट उसके अलावा और भी बहुत सारे जॉब है दोस्तों, जो कि एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है होता है एक एक चीज़। इसलिए दोस्तों, मर्चेंट नेवी में अगर आप आना चाहते हो ना अच्छे फ्यूचर के साथ, चाहते हो कि लाइफ आपकी सिक्योर हो, तो कैडेटशिप आप कोर्स करो। और कैडेटशिप के लिए आपके पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक DNS हो गया, BSc नॉटिकल साइंस हो गया, देन आपका अगर आप इंजन डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हो तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद आप GME कोर्स कर सकते हो, BTEC इन मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हो, देन ETO का कोर्स है, उसमें फ्यूचर बहुत अच्छी है, सैलरी भी बहुत अच्छा है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन बन रहे हो शिप पे तो बहुत अच्छी लाइफ है उनकी भी। एंड मैंने जो ETO पे वीडियो बनाया उस पर मैंने बोला भी है कि अगर आज मैं ऑफिसर ना रहूँ तो अगर मुझे मालूम रहता ETO के बारे में तो मैं ऑफकोर्स फर्स्ट मैं मेरा प्रेफरेंस ETO में ही जाता। एंड इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट गाइज, आज के टाइम में भी इंडिया में इतने सारे सीमेन जॉबलेस हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे। दोस्तों, अगर आप बॉम्बे में रहते हो या अगर बॉम्बे आए हुए हो, तो CST स्टेशन के पास एक छोटा सा स्टेशन है, नेक्स्ट स्टेशन मस्जिद बंदर, वहाँ पर आप सीमेंस हॉस्टल में जाके देखो कितने सारे लाखों लाख सीमेन जॉबलेस पड़े हुए हैं, या फिर वो ऐसे कॉलेज से ट्रेनिंग कर लिए हैं जो प्लेसमेंट की गारंटी नहीं देती है, या फिर GP रेटिंग कर रखे हैं, या वहाँ उसके बाद अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हो, CST में MMD है, वहाँ आप जाके देख लो, बंदे लोग को स्ट्रगल करते हुए 2 साल 3 साल हो चुके हैं उनको ट्रेनिंग किए हुए, बट जॉब नहीं मिल रहा है उनको। एजेंट से भी जाना चाहते हैं, बट ट्रस्टी एजेंट चाहिए जो पैसा डूबे ना उसको पैसा दे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके आगे करियर के लिए, पूरे होल लाइफ के लिए, मर्चेंट नेवी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से कॉलेज से ट्रेनिंग कर रहे हो। ओके? और दोस्तों एक बात आप याद रखना, आप जो भी ट्रेनिंग करोगे मर्चेंट नेवी में आने के लिए, उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट नेवी में ही रहती है। अगर आप चाहोगे कि यहाँ ट्रेनिंग करके अगर आप सक्सेस नहीं हुए, इन केस भगवान ना करे, बट अगर आप चाहो कि आप दूसरे सेक्टर में आप ट्रेनिंग जाके जॉब कर सकते हो, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। ओके? इसलिए दोस्तों आप ऐसे कॉलेज या इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करो जहाँ से आपको जॉब जरूर से ज़रूर मिल जाए, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि जो कोर्स की फ़ी है वो कितने एक्सपेंसिव है, कितने महंगे हैं। नॉर्मल जो बोलते GP रेटिंग का कोर्स है वो आपको 2 लाख से 3 लाख के अराउंड, डिपेंड्स अपॉन इंस्टीट्यूट वेरी करता है। अगर आप कैडेटशिप करने जा रहे हो DNS 4 लाख, 4.5 लाख, BSc करोगे तो 8 लाख के अराउंड ये कोर्स भी है। इसलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से कॉलेज से ट्रेनिंग कर रहे हो। ओके? और प्रॉब्लम क्या होती है कि आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो। मैं बहुत सिंपल में समझाता हूँ। सपोज आप कैडेटशिप करने जा रहे हो, IMU का एग्ज़ाम दिए, आपको अच्छी कंपनी नहीं मिली, दोस्तों आप 6 महीना रुक जाओ, वापस से एग्ज़ाम दो, अच्छे लेकिन अच्छे कॉलेज से जाओ। बस 6 महीना रुकोगे आपकी पूरी लाइफ बन जाएगी, लेकिन आप 6 महीना चाहोगे कि आप उसको पकड़ के रखें, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ 6 महीना, तो और उस चक्कर में अगर आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लोगे दोस्तों पूरी लाइफ आपकी ख़राब हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा रुक जाओ, अच्छे से सोच लो, समझ लो, उस कॉलेज के बारे में जान लो, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट बहुत वास्ट हो चुका है आज के टाइम में, सब कुछ आपको मिल जाता है, इवन जो कॉलेज की प्लेसमेंट हिस्ट्री है वो आपको मालूम चल जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जा सकते हो उस कंपनी में, उस कॉलेज में। क्योंकि दोस्तों कोर्स करने के बाद सपोज अगर आपको जॉब नहीं मिला और आप अच्छे एजेंट भी फाइंड आउट नहीं कर पाए, तो आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा दोस्तों, साथ ही साथ आपका पूरा करियर खराब होगा और समय तो वेस्ट होगा ही होगा। ओके? सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तुलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट इंडिया का बेस्ट कॉलेज है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इनका जो ट्रेनिंग देने का तरीका है वो वर्ल्ड क्लास है,
और एक एक चीज को बहुत बारीकी से सिखाते हैं। इनका जो वर्कशॉप है वो बहुत अच्छा है, और जो लड़कियां मर्चेंट नेवी में आना चाहती हैं उनके लिए ये कॉलेज बिल्कुल सेफ है। एंड द गुड थिंग इज यहाँ की जो फैकल्टी है वो सुपर्ब है। नेक्स्ट कॉलेज इज एमेट। दोस्तों ये कॉलेज चेन्नई में है, एंड इफ यू एंटर इन द सिम्युलेटर रूम यू विल फील कंप्लीटली लाइक अ ब्रिज। एंड यू नो द बेस्ट थिंग इज मर्क्स लाइन हायर देयर कैडेट्स फ्रॉम एमेट एज वेल। गाइज इफ यू आर इन AESM कॉलेज देन डोंट वरी फॉर द जॉब, क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न वर्ल्ड की बिगेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। और आप देख सकते हो कि इनका जो सिम्युलेटर रूम है सीम्स लाइक नो वेयर एल्स। रडार, इकडेस, एकोनिस, एवरी सिंगल थिंग इज देयर इन सिम्युलेटर रूम। दोस्तों अगर आप IMI से DNS कर रहे हो या GME या ETO का कोर्स, देन यू मे गेट चांस टू कम इन मर्क्स लाइन, क्योंकि मर्क्स लाइन अपने DNS या GME के कैरेट IMI से ही लेता है, क्योंकि इनकी फैकल्टी बहुत अच्छी है। दोस्तों ARI इज रेपुटेड मैरिटाइम कॉलेज इन इंडिया। इफ यू आर इन देयर यू मे गेट चांस टू ज्वाइन फ्लीट, सिनर्जी, वी शिप्स, वॉलम एंड मेनी मोर, बिकॉज द वे दे आर गिविंग द ट्रेनिंग इज स्पेक्टेकुलर। गाइज समुद्र इंस्टीट्यूट इज इन पुणे, एंड देर इज अ कंपनी स्पॉन्सरशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट, इन शॉर्ट एक्चुअली इट्स कॉल्ड ESM। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स एक्चुअली ब्रिटिश पेट्रोलियम डज द रिक्रूटमेंट इफ यू आर एलिजिबल, बट ESM इज कन्फर्म्ड। दोस्तों ग्रेट ईस्टर्न इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और अगर आप इस कॉलेज से कोर्स कर रहे हो कोई भी कोर्स, तो आपको जॉब इसी कंपनी में मिल जाएगी, क्योंकि इसके पास बहुत सारे शिप्स हैं और इनके जो वर्कशॉप हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। गाइज कोयम्बटूर मरीन कॉलेज बहुत ही अच्छी कॉलेज है, और यहाँ पर आप BSc, GME एंड BTech का कोर्स कर सकते हो, और यहाँ से भी जॉब की गारंटी या फिर आप बोल सकते हो प्लेसमेंट हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। दोस्तों ये जितने भी मैंने कॉलेजेस बताए ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। जो भी मेरे फ्रेंड्स अदर कंपनीज में हैं या फिर मेरे जो कलीग्स के जो सिबलिंग्स हुए या फिर अदर जो भी मेरे जान पहचान में है उनसे फाइंड आउट करके ये मैं कॉलेजेस के नाम आपको बताया हूँ, जहाँ से अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आपके ग्रेड अच्छे आए कॉलेजेस में, तो आपको 200% जॉब मिलेगी। ओके एंड स्टिल अगर आपको अदर कोई कॉलेज के बारे में कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू गाइस, यू नो। एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम। ऑलराइट, तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड विश मी अ बॉन।